कोई विदेशी विदेशी थोड़ी हो यार, मैं तो इंडियन हूँ। मैं हमें जब कोई विदेशी समझता है तो बहुत हर्ट होता है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आप सभी का फिर से स्वागत है। सुबह के बज चुके हैं 6 और मेरा पानी वानी का सारा काम हो गया और अब मैं जाती हूँ किचन और बनाती हूँ मस्त वाली कड़क सी चाय। फिर ये देखो पपाया, कच्चा पपीता, इसका बनाएंगे आज हम बड़ी। लगे हुए जानी, इधर आ जा, आओ, अच्छा जानी है ना। ये देखिए लगे हुए, ये देखो इस तरह से ग्रेट कर लेना है कच्चे पपीता को। कुछ बोलेंगे मिस्टर आले? Oh, thanks everybody. I am very bad man. लगे ये है करण का खाना। तो भाई हम भी कर लेते हैं खाना। खाना वरना खाएंगे, थोड़ी देर सोएंगे, फिर शाम को मिलेंगे। तो दोस्तों ये रहा मेरा लंच। आज कल पता नहीं कुछ दिनों से ना चावल खाने का मन नहीं कर रहा दोपहर में। ये है सिद्रा माछा एंड गोभी आलू की सब्जी एंड रोटी, और ये जोनी भाई साहब। आपको भी दे खाना, सो रहा था ये आ गया। आजा, वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों बच चुके हैं 4 और मेरा चाय पी। ये देखो ऐसे करता है, खेलने के लिए बोलता है ये। तो मैं कह रही थी दोस्तों बच गए 4 और चाय पीने का मन कर रहा है। जॉनी ने बीच में डिस्टर्ब कर दिया, थोड़ी देर उसके साथ खेल लिया मैंने, तब जाके वो शांति से बैठा है। तो चले चाय बनाते हैं। आज मैंने ना पपीते के डाले हैं बरी, बहुत सारे पपीते लगे हैं, लेकिन बट पता नहीं क्या हो गया इस बार पकने के बाद में स्वाद नहीं आ रहा उसमें, मीठापन नहीं है, ऐसे पानी पानी सा लगता है। तो मेरी सिस्टर ने बताया, मौसी की लड़की ने बताया था कि उसके ना ये बरी भी बहुत अच्छे बनते हैं, जानते होंगे आप लोग। बेसिकली तो उससे जो वाइट वाला कुमड़ा होता है ना, जिसे भूरा कुमड़ा कहते हैं, उसके ज़्यादा अच्छे लगते हैं। देखती हूँ उसका स्वाद कैसा होता है, यदि अच्छा लगेगा तो मैं और लगे हुए पपीते फिर और बनाऊँगी। तो चाय चढ़ी है फ्रेंड्स। मैं कह रही थी कि आज मैंने ना अलमारी की सफाई कर रही थी तो मुझे ना एक चीज़ मिली, चलिए दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। ये आज मैं निकाल रही थी फ्रेंड्स गर्म कपड़े, तो ये मुझे मिली लुंगी। नेपाल की ट्रेडिशनल ड्रेस होती है लुंगी, कहते हैं टी शर्ट लुंगी। तो ये मुझे गिफ्ट किया था प्रिंसिपल मैम ने, किया था रश्मि मैम ने। ये है लेकिन नेपाल वाली लुंगी नहीं है, ये है मणिपुरी लुंगी है, तो उन्होंने गिफ्ट किया था। तो और ये इसका ना वुलन है इसका, ये तो मैं सोच रही इसको पहनूंगी मैं, ठंडियों में ठीक रहता है। देखिए कितना प्यारा, इसमें ये वो है हाथ से किया हुआ एम्ब्रॉयडरी है, देखिए ध्यान से देखिए, बहुत ही प्यारा। तो नेपाल की ट्रेडिशनल होती है, मेरे पास है नेपाल वाली भी है, और ये ऐसी फीता वाली है, इसमें फीता होता है कमर में से करते हैं। तो ये मैम ने दिया था मुझे, बहुत प्यारा। नेपाल में सभी कोई पहनते हैं लुंगी टी शर्ट, तो वहाँ का मतलब ट्रेडिशनल वो है। और मेरे पास में है नहीं पूरी उसकी ड्रेस, नहीं तो मैं आप लोगों को पहन के दिखाती, बट मैं कोशिश कर रही हूँ मिल जाएगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कि कैसी होती वहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेस। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। बाहर की लाइट जला दूँ, ये बाहर की झालर की है, ऐसे जल गई नहीं, जली जल गई जल गई जल गई ना दोस्तों। ढेड़ो और माछा खाने का मन करा, माछा का झोल एंड ढेड़ो। बता रही हूँ ना मुझे इस तरह के ना जो नेपाल के पारंपरिक जो खाना है वो बहुत पसंद है, मैं अक्सर कुछ ना कुछ करती रहती। जैसे आप लोग तो गुंदरुक का झोल जो बताया था मैंने आप लोगों को, तो उस तरह का हो गया, ढेड़ो हो गया और कोदो की रोटी हो गई। इस तरह के फूड्स मुझे बहुत पसंद है और मैं जब भी नेपाल विज़िट करती हूँ तो ये सब जरूर खाती हूँ। तो
कहते हैं कि वहाँ पे सभी हमारे फैमिली के कहते हैं यार इसको कौन बोलेगा कि लाइन छोकरी। लाइन छोकरी मीन्स जिसका इंडिया में बर्थ हुआ होता वो इंडिया में ही रहता तो उसको बोलते लाइन छोकरी बोलते हैं। तो सर्दियों में तो और अच्छा लगता है गर्म गर्म ढेड़ों और मतलब जो नॉनवेज बनता है ना उसके झोल के साथ में, मतलब हमारे नेपाली में झोल बोलते हैं तरी को, और देश ठेठ अंदाज में बोलते हैं ये सुरवा, तो उसके साथ बहुत अच्छा लगता है। तो गांव में तो होता है कोदो का बनाते हैं ढेड़ो और मकई का, अच्छा लगता है मुझे, बहुत ही पसंद है ऐसे इस तरह के ट्रेडिशनल खाना ना। ऐसा नहीं वहाँ का ही बस पे पसंद करती होंगी मैं, यहाँ की भी ट्रेडिशनल खाना बहुत पसंद करती हूँ, जैसे दाल बाटी हो गया और अच्छा भी बना लेती हूँ मैं। तो बातों के चक्कर में चाय भी ठंडी, तो देखती पता नहीं अचानक से ही मन किया मेरा, मेरे यार ठंड सी बढ़ रही है तो ढेड़ो होता और माछा का झूल होता क्या मज़ा आ जाता। तो खैर मेरी तो बकबक यूँ ही चलती रहती है फ्रेंड्स। तो जी ये रहा मेरा डिनर, बज गए हैं 9, मैं डिनर करूँगी, दवा खाऊँगी और सो जाऊँगी। चलो मिलती हूँ बाद में दोस्तों। पता क्या हुआ, आज मैं गई थी एक कपड़े की शॉप गई थी, तो महाशय बोलते हैं कि मैडम मेरी फैमिली आपसे मिलना चाहती है। अच्छी बात है भाई चलिए। तो वाइफ बच्चों से मिलवाया, तो उनकी वाइफ कहती हैं मैम आप कहाँ से हो, कहाँ से हो मतलब मैं कोई विदेशी विदेशी थोड़ी हो यार, मैं तो इंडियन हूँ, लेकिन हाँ मैं जबलपुर से हूँ, बताया उनको। तो फ्रेंड मुझे ना बड़ा आश्चर्य होता है और कभी कभी ख़राब सा भी लगता है थोड़ा सा, कि अपने ही देश में हमें जब कोई विदेशी समझता है तो बहुत हर्ट होता है ना, मतलब वैसी वाली फीलिंग्स आती है यार हमें अपने ही देश में हमें विदेशी कहा जा रहा है। तो भाई मैं कोई विदेशी देशी नहीं हूँ, बाय बथमा से मैं इंडिया में हूँ, मेरी भी पूछते होंगे हम उनको मम्मी पापा को भी याद नहीं कि वो कब से हैं इंडिया में, तो मैं इंडियन ही हुई हूँ ना। तो प्लीज़ ऐसा अब क्या करें भाई, हार्मोन्स तो चेंज नहीं हो सकते, नेपाली का बच्चा नेपाली जैसा दिखेगी, साहब मैं इंडियन नेपाली हूँ, इंडिया में रहती हूँ बाय बर्थ, बैकग्राउंड मेरा पूरा आर्मी वाला है, हमारी कई पुश्तें देश की सेवा में लगी हुई थी और लगी हुई भी हैं। सो प्लीज़ हमें अपने देश में ही हमें विदेशी ना कहें। तो है ना थोड़ा सा अजीब सा भी फील होता है। और तो आप लोग पता है मैं सारी कोई बातें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आज दोस्तों इस वीडियो का करें अंत, है ना, ज़्यादा लंबा नहीं है, तो ठीक है ओके दोस्तों इस वीडियो का करते हैं अंत यहीं। पसंद आए तो बिना लाइक किए ना जाए, शेयर करें और न्यू व्यूअर्स प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। फिर मिलूंगी, कल मिलूंगी फिर नए ब्लॉग में, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए स्वस्थ रहिए।